हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आपके पास एचपी का M1005 प्रिंटर है तो उसको आपको सर्विस करना चाहिए, वो भी 6 महीने पर। यदि आपको नहीं करते तो क्या नुकसान होगा, इसमें सर्विस करते समय लेजर को किस तरह से साफ करना है, फुल्ली कंप्लीट सर्विस बिल्कुल डीप से आपको बताएंगे और साथ में आपको असेंबल भी करना बताएंगे कि जब आप इसको पूरी तरह से ओपन कर दें तो उसको साथ में सेट कैसे करना है, असेंबल कैसे करना है। हाँ, खोलते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन पार्ट्स का ध्यान रखना है, वैसे ज़्यादा रिस्की नहीं है। यदि आपके पास प्रिंटर है तो आप अपने घर पे ऑफिस में बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं और सर्विस करना चाहिए 6-6 महीने पर। सर्विस करते हैं क्योंकि प्रिंटर पहले 12,000 का था, अब ये 18,000 का लगभग हो चुका है, 17 से 18,000 का, और काफ़ी काम का प्रिंटर है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं, लेजर वगैरह को किस तरह से आपको साफ़ करना है। इससे क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तो प्रिंट क्वालिटी में। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बैक साइड में 2 स्क्रूप आपको मिलेंगे। जितने भी स्क्रूप आपको मिलेंगे, यहाँ से सारा स्क्रूप जो दिख रहा है आप ओपन कर लीजिए। आपको सिंपल इस तरह के टूल यूज कर लीजिए। यदि आपके पास किस तरह का है प्लस वाला तो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, सर्विस के लिए प्रिंटर आया है तो वैसे मेरे फ्रेंड्स का है तो मैं इसको सर्विस करूंगा, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी साथ शेयर करूं जिससे आपको पता लग सके कि सर्विस करने का क्या फ़ायदा होता है और सर्विस किस तरह से करना चाहिए। जाम हो गया है पूरा, देखिए क्या हालत, जंग लग गया है नटों पे, ये हालत हो गया प्रिंटर का। तो हमने इधर का स्क्रूप ओपन कर लिया, इधर का स्क्रूप ओपन कर लिए। अब सिंपल है, इसको ओपन करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसे प्रेस करके ओपन कर लीजिए। ऊपर करने के बाद में इसको चलिए ड्रम निकाल लेते हैं पहले, हमेशा ड्रम तो निकालना आता है, वो ड्रम निकाल कर साइड में कर लेते हैं। और एक यहाँ पर लॉक होता है, आप इस लॉक को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे रख लीजिए, बहुत आसानी तरीके से करना है, तो इसको ऐसे रख लीजिए। उसके बाद आपको इस साइड में यहाँ पर एक लॉक मिलेगा, यहाँ पर एक लॉक है और एक इस जगह पर लॉक है इस साइड में। तो इधर वाला लॉक हम पुश करके ओपन कर लेते हैं और इस साइड का लॉक है तो इसको थोड़ा सा प्लग करके ऊपर कर लीजिए बस, और इधर का लॉक दबाइए ऊपर जैसे करके और आगे की ओर ऐसा हल्का सा मूव कीजिए, बस आसानी से बाहर आ जाएगा। इसको हम साइड में रख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी का हालत क्या है, यदि आप देख सकते हैं तो देखिए कि कितना इसमें मिट्टी है। तो हम इसको, यदि आपके पास ब्रश है, किस तरह का ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने के लिए, अभी तो हम बहुत उसमें ओपन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके पास एयर गन है, एयर ब्रश और एयर ब्लोअर है तो आप उसे साफ़ कर लीजिए, नहीं तो आपके पास इस तरह का पेंट वाला ब्रश घर में कोई बचा वचा होता है तो आप उससे इसे साफ़ करके साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई पार्ट्स का नुकसान नहीं होगा। तो इसे साइड रख लेते हैं और चलते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं। इस साइड जैसे ओपन किया है वैसे दूसरी साइड में भी आप ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ, ध्यान से रखिए कोई पार्ट्स ना टूटे। तो मैं इधर से भी ओपन कर लेता हूँ बैठ के और इसे ओपन हो गया। आप देख सकते हैं कितना मिट्टी है, मिट्टी से पूरा भरा हुआ है। आप इसको पूरा क्लीन कर लीजिएगा, हम भी क्लीन कर लेंगे। अब उसके बाद चलिए आपको यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आप इन टेप को आराम से इसको बाहर निकाल लीजिए, देखिएगा कि बहुत ही कमज़ोर होता है, नाजुक होता है, जितना पुराना हो जाएगा उतना नाजुक हो जाएगा, तो आप यदि सही से निकालेंगे तो फट सकता है या ख़राब हो सकता है। तो आप आराम से इसमें इस दोनों तरफ से एक साइड करके आप इसको चिमटी वगैरह से इसे खींच लीजिए, इसे ख़राब ना हो, बहुत नाजुक होते हैं दोनों। तो चलिए उसके बाद में फिर हम यहाँ से इस लॉक को ओपन करेंगे। तो इस लॉक को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक बटन होगा ऊपर से, ऐसे दबा दीजिए इसको, यहाँ पर दबाने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पर पुश करके ये बाहर खींच लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है वैसे, निकाल तो बराबर सर्विस करते रहते इतना टाइट नहीं रहता जितना भी टाइट हो रहा है। हाँ निकल गया, इसको भी यहाँ पर बस दबाने वाला, इसको दबा कर लॉक है बस, उसको दबा कर आप बाहर के लिए इसको खींचिए, ये बाहर निकल जाएगा इसमें लॉक दबा कर। अब देख लीजिएगा, वैसे कैमरा में उतना साफ ना दिखाई दे लेकिन वैसे आप देखिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा। देखिए आ गया बस, अब इसको आप सिंपल निकाल लीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे बाहर आने के बाद में आप इससे सिंपल यहाँ पर देखिए, इसको निकालने के लिए यहाँ पर लॉक है, इसको बाहर की तरफ से खींचिए
और पीछे की रस से धक्का दीजिए ऐसे, हो सकता है इसे खींच के आगे की रस से धक्का दीजिए, आगे बैक इस तरह से, तो ये आपको फ्री हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रूप है, इस स्क्रूप को हम यहाँ पर खोल लेते हैं, इसको आप यहाँ से निकाल दीजिएगा निकल जाएगा इस स्क्रूप, और इसको इस तरह से, और ये टेप जितने भी है रिबन वायर का है, स्कैनर का, ये पैनल का है और ये स्कैनर का है, अब सिंपल सा बाहर ही निकल जाएगा। वैसे हम स्कैनर को भी खोल के अंदर का जो हिस्सा है इसको साफ़ करेंगे, लेकिन बाद में कर लेंगे, पहले इसे साफ़ कर लेते हैं लेजर वगैरह को। तो हमारा निकल चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है, तो आप इसको आराम से, आप चाहे तो इसको यहाँ से मिल जाएगा, लॉक है यहाँ पर, इसमें भी लॉक आपको छोटा सा मिलेगा, तो सिंपल सा इसको तो आप ऐसे पुश कीजिएगा यहाँ से तो लॉक निकल जाएगा। इसको बाहर रख लेते निकाल कर, अब इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, इसको ज़्यादा से मत सीखिए, स्प्रिंग लगाने पर दिक्कत होती है। फिर यहाँ पर देखिए स्क्रूप है, तो इस स्क्रूप को ओपन कर लीजिए, हमने स्क्रूप खोल दिया, अब इसे ओपन करना है, इसको बस ऊपर की वजह से उठाइए, ऊपर ऐसे ऐसे उठाकर ऐसे खींच लीजिए, ऐसे नीचे से भी इसका लॉक होगा, इस साइड से देखिएगा तो यहाँ भी आपको लॉक मिलेगा, इस जगह पर एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, तो इधर लॉक उठाकर और इसको ऊपर की ओर खींचिए, बाहर आ जाएगा, पहले लॉक निकल गया और इसको यहाँ से इसे वो लॉक लॉक है यहाँ पर ऐसे करके बाहर आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसके नीचे लेजर है, देखिए कितना मिट्टी है, जब इतना मिट्टी इस पर है तो लेजर पे कितना मिट्टी होगा। तो फिर चलिए पहले इस कवर को ओपन करते हैं, इस कवर को ओपन करने के लिए हमें एक मिनट, यहाँ स्क्रूप यहाँ पर है, और एक स्क्रूप यहाँ पर भी है, साइड का बैक पैनल भी रहता है, तो कोई बात नहीं, बैक पैनल तो आराम से निकल जाएगा, कई तरह तरीके से बाहर निकल जाता है ये, चाहे तो इसको यहाँ से पुश करके निकाल सकते हैं ऐसे, ऐसे देखिए ये भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया, ये सबको साफ कर लेना, और ये सब हिस्सा देख सकते हैं, और ये सब दो स्क्रूप है, दो स्क्रूप भी हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, तो ये हमने अभी बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, देख सकते हैं आप कितनी मिट्टी है, तो ये सबको साफ कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालत है, जहाँ अब ध्यान जो है मिट्टी से भरा पड़ा है, कैमरे में कम आ रहा होगा क्वालिटी इम्प्रूव की वजह से, लेकिन आप इतना मिट्टी इसके अंदर में भी आप देख सकते हैं, मिट्टी पूरा भरा पड़ा है, जहाँ देखें वहाँ मिट्टी मिट्टी। अब हम लेज़र ओपन करते हैं, लेज़र को ओपन करने के लिए सिंपल, एक दो तीन चार, चार स्क्रूप हम पहले ओपन करेंगे, तो यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं, अब ए ड्रैग ओपन नहीं होगा, इसके नीचे लॉक होता है, आप उस लॉक को माइनस से आप पुश कीजिएगा, उसके बाद में बाहर आएगा, तो इस लॉक को आपको दिखा देते हैं कि इस लॉक को जब आप इसे ऐसे कीजिएगा इस बैक साइड में, आप देखिएगा कि यहाँ पर इस साइड में नीचे एक इस जगह पे और इस जगह पे दोनों साइड में लॉक होता है, तो आप उस लॉक को पुश करना होगा, तो मैं पुश कर लेता हूँ, पुश कीजिएगा, अभी पेचकस होता बड़ा वाला तो ज़्यादा आसान हो जाता, मैं लाना भूल गया, घर को हो गया, इधर पुश हो गया, और इस साइड में भी आपको इस जगह पे मिलेगा पुश करने के लिए, देखिए यहाँ पे मिलेगा, यहाँ इसके नीचे, तो आप इसको यहाँ पर पुश कर दीजिए, बस पुश कर दिया, अभी बाहर आ जाएगा आराम से, लगाते समय इतना दिक्कत नहीं होता, निकालते समय थोड़ा सा पुश कर हार रहता है, पहली बार ओपन भी हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो देखिए कितना डस्ट भरा पड़ा है, अब ये हमें इसको साफ़ करना होगा, साफ़ कर लेते हैं, पहले लेज़र आपको ओपन करके दिखाते हैं कि लेज़र कहाँ पर होता है, तो अब ओपन करने के लिए अब यहाँ से हमें
स्क्रू पे देखिए, यहाँ स्क्रू है और दो इसके अंदर होते हैं। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से जो केबल है आप रिबन इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए और इस साइड से एक बोर्ड में लगा होगा बोर्ड वाला आप यहाँ से इसे निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ मोटर का केबल है आप मोटर का निकाल लीजिए और ये जो रिबन है ये रिबन निकाल दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में आराम से इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे भी इसे ओपन कर लेते हैं। इसको अब देखिए ये है हमारा लेजर, क्या हालत हुई पड़ी है आप देख सकते हैं, इसी से लेजर लेट। अब इसको हम यहाँ से दो स्क्रू पे इधर और एक यहाँ पे है तो इसको ओपन करेंगे इस तरह से। वैसे इसके अंदर भी एक स्क्रू होना चाहिए था, नहीं लगा हुआ, कंपनी लगाई नहीं है शायद, लगाने वाले कंपनी भूल गए होंगे। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लिए, स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बाकी स्क्रू से लंबा होगा ये, इसको अलग रखिएगा, इसको हम अलग रख देते हैं। अब देखिए ये हमारा जो लेजर था, जो मेन चीज़ है, वैसे तो सारे पार्ट्स मेन ही है इसका, तो ये है ये हमारा मिट्टी। अब इसको हमें साफ़ करना, तो पहले क्या करते हैं हम इसको ब्रश से साफ़ कर देते हैं। ज़्यादा गंद है इसलिए थोड़ा सा कपड़े से साफ करते हैं। यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, एक यहाँ लॉक है, यहाँ लॉक है, आराम से लॉक तो आप ये वाला ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है क्या, यहाँ है, एक अच्छा स्क्रू यहाँ भी एक लगा हुआ है, स्क्रू निकाल देते हैं। इसके अंदर लेजर के ऊपर और लेजर का जो शीशा लगा हुआ है यहाँ पर ग्लास, इतना ज़्यादा मिट्टी है इस पर कि क्या क्वालिटी खा खाएगा इस पर, इतना गंद है। तब इसको हम खोलेंगे, खोलने हैं भाई, इसको खोलना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। आप माइनस वाला ले लीजिए और सबसे पहले आप इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें है जो एक यहाँ पर कट सा बना है, पॉइंट सा होगा, उसको इसी साइड में रखिएगा अंदर की ओर, यहाँ पर बना हुआ है। तो हम चलती है इधर से इसको ऐसे करेंगे, बस ये बाहर आ गया, देखिए ये बाहर आ गया, ये लेजर का है। और उसके बाद में इसे भी हम बैक साइड से जाएंगे और पहले इसको टेबल यहाँ निकाल देंगे, इधर से निकाल लीजिए चाहे तो इधर से, जिधर से आपको अच्छा लगे आप इसको निकाल लीजिए। यहाँ पर भी है पुश करने वाला, पुश करके इसको निकाल दीजिए बस, अभी बाहर आ जाएगा। बाद में दबाते समय थोड़ा लॉक को इसको बाहर ऐसे खींच लीजिएगा जिससे आराम से बैठ जाए, इसमें फिट बैठ जाए। अब आप देखिएगा कि यदि काफ़ी दिन से ओपन नहीं किया, डस्ट एरिया में आपका प्रिंटर रहता है तो इतना इसमें, इसमें भी देखिए मिट्टी से भरा पड़ा है, कितना मिट्टी पूरा भरा पड़ा है। तो इसको मैं बारीकी से कपड़े से आराम से साफ़ करूँगा, पूरा नरम कपड़े से, जैसे कि आप कॉटन कपड़ा हो, बनियान वगैरह जैसे आप यूज कर सकते हैं साफ़ करने के लिए। वैसे तो मैं अभी इसमें ब्रश मार देता हूँ फिर इसको साफ़ करूँगा अच्छी तरह से। तो आप इस पर और इस पर कोई ब्रश वगैरह हार्ड चीज़ नहीं मारिएगा, इस पर भी कोई हार्ड चीज़ नहीं मारिएगा, नरम कपड़ा से साफ़ कीजिए जिससे स्क्रैच ना पड़े, बाकी ऐसे इस पर मिट्टी पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा। देखिए साफ, बिना साफ में कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद में सारा चीज़ इसमें देखिए आप कितना मिट्टी वगैरह है, तो ये सारा मिट्टी में साफ़ कर लेता हूँ आराम से ब्रश से, ब्लोर है तो ब्लोर से, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ इसको असेंबल कैसे करना था। पहले चलिए मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जितना पार्ट्स था जरूरत के हिसाब से हम साफ़ कर लिए हैं, और भी ज़्यादा बारीकी से साफ़ किया जा सकता था लेकिन इसने फिर से तो डस्ट इस पर पड़ना ही है, तो लगभग लगभग 90% साफ़ हो चुका है। तो चलिए हम यह लेजर है, इसको हम लेजर को असेंबल करते हैं। तो लेजर को असेंबल करना बहुत आसान है, सबसे पहले आप इसे साफ़ कर चुका हूँ मैं, इसे साफ़ करके आप इसे कट बना होगा, कट से कट आप मिलाकर इसे आगे ऐसे रख दीजिए इस तरह से, यहाँ पर फिट आएगा। और उसके बाद में
आप इसे यहाँ पर इसे फिट कर दीजिए, अपने जगह पे फिट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा यहाँ फिट आ चुका है। ये बैठ चुका है और देख सकते हैं ये बैठ चुका है और ये भी अपनी जगह पे नहीं बैठता, तो पलट के बैठा कर देख लेते हैं इस तरह से। तो हाँ ये बैठ गया और ये भी बैठ गया, ठीक है अपने जगह पे दोनों बैठ चुका है। और हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से जैसे लगा था इसे ऊपर से लगा देंगे, बस सिंपल उसमें दबाना है। बस इसको दबा दीजिए, पुश कर दीजिए, अपने जगह पे बैठेगा, इधर उधर गलत बैठेगा नहीं है। बस ठीक है ये बैठ चुका है सही, देख लीजिएगा लूज ना हो, बस थोड़ा टाइट ही रहे, क्योंकि लूज रहेगा तो दिक्कत करेगा। हो गया, अब इसमें एक कट होता है, आप वैसे किसी भी बैठा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज़्यादा था, लेकिन एक कट यहाँ बना हुआ, कट इधर क्यों रखिएगा, एक कट जो है यहाँ पे इस साइड क्यों रखे, क्योंकि ऐसा ही था ये। वैसे जैसे गलती भी हो जाए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इससे, और इसके बाद में फिर आप इसे सिंपल ऐसे दबाकर पुश कर दीजिए, लग गया। उसके बाद में आप सिंपल ढक्कन देख लीजिए, जैसे ढक्कन तो ढक्कन जैसे लगे कवर ऊपर का ऐसे लगा कर ऐसे पुश कर दीजिए। इसमें जो स्क्रूप लगा हुआ था छोटा सा ब्लैक कलर का, इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से लगा देते हैं। अब इसको हम इसमें असेंबल करते हैं, तो असेंबल सिंपल सिंपल आपको ऐसे रिबन को सेट कर लेते हैं जैसे रिबन था पहले, और ध्यान दीजिएगा कोई इसमें तार आप लगाना भूल नहीं जाइएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से इसे इस तरह से जैसे बैठ गए अपने आप अपने जगह पे बैठ जाएगा, ये बैठ गया बैठ गया। अब उसमें जो लॉन्ग वाला स्क्रू था इसमें टाइट कर देते हैं। हो गया, अब जो ये जो किट है हम इसे लगाएं, तो सबसे पहले एक केबल आप इसमें लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब ऑन कीजिएगा तो इसको लगाना नहीं भूलिएगा। तो इसको हम सबसे पहले लगा लेते हैं, और ये तो हम चलो टेप जो बाद में भी लगा लेंगे, तो इस तरह से इसको यहाँ रख लेते हैं, तो इस जगह पे डाल देते हैं साइड में अपना, और इसके ऊपर रहेगा, इसमें कट होगा आप कट पे इसको लॉक में फंसा दीजिएगा, और इसे आराम से आप इस जगह पे फिट कर दीजिए, और इसे इस साइड से डालकर जैसे पहले लगा था और एक कार्ड में लगा दीजिए, साथ साथ में कार्ड में लगा लीजिए कि बाद में भूल ना जाए, इसलिए कार्ड में साथ साथ में हम मदरबोर्ड में इसके लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया, ठीक है, और साथ में मोटर का तार लगा देते हैं, और जो भी केबल वगैरह है आप यहाँ पर इसको सेट कर दीजिएगा, इसको इस तरह से लग गया। लगने के बाद में सिंपल स्क्रूप जो लगे हुए हैं स्क्रूप हम यहाँ पर लगा देते हैं, एक स्क्रू लगा था एक स्क्रू हम लगा दिए, उसके बाद में इसको यहाँ से इस पर ऐसे लगाते हैं। बस तो हमारा असेंबल हो गया लेजर, जैसे कि ये कवर लगा हुआ था तो सिंपल देख लीजिए कैसे लगा हुआ था, ये साइड में ऐसे लगा था ये, क्योंकि ये जो लॉक है ये दोनों लॉक इसके यहाँ पर फंस जाता है, तो इसको ऐसे यहाँ भी लॉक है और इस जगह पे भी है, तो बस लग गया यहाँ पे और इस जगह पे, तो बस यहाँ पे एक दो दो स्क्रूप यहाँ और दो स्क्रूप यहाँ हम टाइट कर देते हैं फटाफट।
यहाँ पर केवल इसको आप सेट कर दीजिएगा सही से। तो ये तो हमारा लेजर का जो कवर था ये फिट हो गया। अब हम इसको ऊपर वाला कवर लगाते हैं, तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे, इसे लगाएंगे। तो इसको देखिए ऊपर आप खींच लीजिएगा, ये नीचे दब गया होगा, कभी वैसा था नीचे दब जाता था, आप उसे ऊपर खींच लीजिएगा। और इसके बीच में आप इसे ऐसे लगा दीजिए जहाँ पर आराम से बैठे, स्क्रू सब बैठ जाना चाहिए था फ्री, ज़्यादा टाइट ना हो। ठीक है, तो बैठ गया। अब हम क्या करते हैं, जो स्क्रू पे लगी हुई है हम स्क्रू पे को टाइट कर देते हैं। एक स्क्रू यहाँ पर लगा देते हैं बस। उसके बाद में इसका आगे वाला जो कवर है उसे लगाना है। तो कवर लगाना बिल्कुल आसान है, बस आप ये वाला इसे जो लॉक वाला है आप इसे नीचे रखिए। नीचे रखने के बाद में आप इसे ऐसे रखिए, नीचे लग गया, देख लीजिएगा नीचे का लॉक लग जाए। उसके बाद में आप सिंपल इसे ऊपर से उठा दीजिए। टाइट हो गया, फिट है, बैठ गया। आप इसको साफ करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए इस कवर को लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी आप कवर इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कैसे लगा लेते हैं। इसमें जो लॉक है आप यहाँ सिंपल इसमें से फंसा सकते हैं, और इसका भी आप इसमें सिंपल यहाँ ऐसा लगा सकते हैं। देखिए ये कैसे लग जाएगा। लग चुका है, इसको यहाँ से लॉक ऐसे कर लेते हैं और इसमें इसको ऐसे फंसा लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा हल्का सा टूटे ना, ये ध्यान से इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये भी लग गया। अब हम इसका टॉप पर कवर लगाते हैं स्कैनर का। तो ऐसे अब इस कवर में डालिए, ये तो ऊपर कैसा है आप तो उसको बाद में साफ कर सकते हैं। और इसे सबसे पहले हम केबल को यहाँ पर इसमें डालेंगे। जहाँ से पहले मोड़ा गया हो तार तो आपको निशान पता लग ही जाएगा, तो आप वहाँ से टेप को फिर से मोड़ लीजिए। दूसरी जगह से मोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा ना, तो टेप खराब हो सकता है। तो इस तरह से इसके बाद इसमें स्क्रू लगाते हैं। अब फ्रेंड्स इस लॉक को और इसे हम लगाएंगे, तो देखेंगे कौन सा किस साइड का है। ये इस साइड का है ऐसे, और ये इस साइड का है ऐसे। इस तरह से अब सिंपल इसे ओपन कीजिए। आगे लगाना बहुत आसान है, निकालने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए, पीछे क्यों नहीं गिरे ना तो स्कैनर टूट जाएगा। तो इस जगह पे ये जो है आपको इस चीज़ वाले को इसको इसमें फंसाने जगह है। आप देखिएगा ध्यान से आपको दिखाई देगा, अब उसको इसमें फंसा दीजिएगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा डाउन करके इसको इसमें पहले इसे ही लगा लेते हैं, इस लॉक को यहाँ भी लगा लेते हैं, तो इस बाद में दिक्कत होगा लगाने में। यहाँ से इसको ऐसे पुश करके लग गया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, बस ये लग गया। और इसको यहाँ से ऐसे उसी जगह पर बैठा दीजिए जहाँ से हम इसको निकाले थे। रेडी हो गया ये।
बस बैठ गया, बस ऊपर से कवर लगा के इसको स्क्रू टाइट कर देते हैं इस तरह। साइड का कवर एक इस साइड का है, एक इस साइड का है। अब इसको यहाँ से कवर लगा लेते हैं। कवर लगाने से पहले चेक कर लेते हैं केबल, तो केबल कभी कभी ऐसा तो छूट जाता है, तो केबल आप यहाँ पर ऐसे जो रिबन है अभी इसे लगा लीजिए, ध्यान से लगाइएगा, सही से लगाइएगा, पूरा बैठ जाना चाहिए, ठीक है, पूरा बैठ गया। अब इसे कवर लगा देते हैं इस तरह से। अब इसे एक बार चला के देख लेते हैं चालू होता है कि नहीं। तो चालू नहीं हुआ, तो लगता है कि एक केबल छूट गया इसका साइड वाला भी, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ छूट गया हो, तो कवर ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। चालू ना होने के कारण मुझे पता है कि क्या छूट गया है इसमें। जो केबल था, एक केबल जो टेप है ये मैं लगाना भूल गया था, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे लगा लेता हूँ, लग गया। अच्छे से चला के देख लेते हैं, फिर बाद में कवर लगाएंगे। तो यहाँ पर चल गया। अब इसको हम कुछ देख लेते हैं, छोटा सा पेज डाल के। वैसे तो इसका ड्रम भी चेंज होने वाला है कार्टेज का, तो कोई ना उसको कर लेंगे। यहाँ पर ये आ गया, ड्रम चेंज होने वाला है, तो लगभग क्वालिटी और कम क्लियर हो जाएगा। पहले से काफ़ी क्वालिटी फर्क पड़ गया लेजर साफ करने से, इतना साफ भी नहीं आ रहा था पहले। तो इसको कवर को हम लगा देते हैं, तो कवर लगाना ये चीज़ है, इसको पहले बंद कर लेते हैं। बैठ गए, सिंपल इसका जो स्क्रू है उसे हम टाइट कर लेते हैं। तो स्क्रू पे तो फ्रेंड्स इसका सर्विस कंप्लीट हो गया, बस ऊपर का जो एरिया है इसको साफ़ करना होगा, तो और हम इसको साफ़ कर लेंगे कॉलिन वगैरह से, और बस ये कंप्लीट हो गया। इसका अर्धा का पूरा साफ हो चुका है, बाकी जो इसका ड्रम है, ड्रम को सर्विस करना हो तो फिर वो तो बाहर से भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपके पास ये प्रिंटर है तो आप 6-6 महीने पर एक बार से जरूर साफ़ कीजिए, खोलकर आराम से ध्यान से साफ करके टाइट कीजिए, तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खराबी नहीं होगा इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आप इसको कर ना सके, आसान है स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो देखें तो वीडियो में जैसे जैसे मैं क्या हूँ सारा कुछ दिखाया हूँ, कुछ भी इसमें आपको छुपाया नहीं। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।